हर रोड पे आ जाएगा। नितिन जी स्वागत आपका। बहुत धन्यवाद। बड़ी ताज़ा खबर सुनी हमने कि आपके ऊपर फिल्म आ रही है। मुझे भी ज़्यादा पता नहीं है। आपने इजाज़त नहीं दी फिल्म बनाने की? एक्चुअली जो एक बहुत प्रसिद्ध प्रोड्यूसर थे मेरे पास आए थे संजय सिंह करके, वो बहुत आग्रह कर रहे थे, तो मैंने उनको कहा, मना किया। ये मेरे विद्यार्थी समय का एक साथी था, उनके इसमें उन्होंने खुद होके काम करके आधा कर दिया था। अच्छा। तब मेरे पास आए, अब उनका पैसा भी उसमें उन्होंने कुछ खर्चा किया था, तो मैंने कहा जो है आपको करना है करो, केवल एक बार मेरे दो तीन मित्रों को दिखा दो। हाँ। ताकि उससे और कोई गलत कंट्रोवर्सी ना हो जाए। गलत कंट्रोवर्सी से क्या डरना आपको? नहीं डरना नहीं, जो सच्चाई है वो आनी चाहिए। और स्वाभाविक रूप से जो पुराने रेफरेंसेस हैं वो वस्तुस्थिति के साथ जुड़े हुए रहना चाहिए, इसीलिए क्यों। पर किसी एक्टिव करियर में तो बायोपिक नहीं बनाते लोग? अभी तो आपका इतना एक्टिव करियर और आगे आपको बहुत कुछ करना है, बीच में ही बन रहेगी फिर आगे का चैप्टर अलग आएगा। देखिए इन सब चीज़ों से मैं दूर हूँ। मैंने आज तक जिंदगी में किसी पत्रकार को फ़ोन करके मेरी न्यूज़ क्यों छापी और क्यों नहीं छापी इसलिए कभी नहीं किया। ना मेरे पास कोई पीआर है। और अच्छी बात ये हो गई आजकल कि मैं एक खदा अखबार और एक न्यूज़ सुनता हूँ, जो अच्छा बोले उसका भी भला, जो नहीं बोले उसका भी भला। हम चलते रहना चाहिए, अपना काम करते रहना चाहिए। प्रोफेशनल भाषा में बोलो तो लोग मुझे कहते, बहुत लोगों ने मुझे कहा, आजकल मैं पैजामा कुर्ता पहनने लगा हूँ। मैं जब बीजेपी का अध्यक्ष बना तो मैं पैंट शर्ट पहनता था, तो मुझे उन्होंने कहा कि देखो हिंदुस्तान की नस आपको समझ में नहीं आएगी, आप अगर बिहार यूपी में जाते हो और अगर धोती और कुर्ता पहनते हो या पैजामा कुर्ता पहनते हो तो ही लोग आपको एक्सेप्ट करेंगे, अगर पैंट शर्ट में जाओगे तो आपको नहीं करेंगे। तो मैंने कहा देखो भाई मेरे को जो लगता है वो मैं पहनूंगा, जो जैसा लगता है वो बोलूँगा, जो करना हुए करूँगा, जो मुझे स्वीकार करना चाहे करे, नहीं करना चाहे नहीं करे, मैं अपने हिसाब से अपना काम करूँगा। मैं वैसे ही चलते रहा हूँ, चलते रहूँगा और ज़्यादा किसी बात की चिंता नहीं है। तो फिर सबसे ज़्यादा चिंता किस बात की होती है आपको? रोज चिंता यही होती है कि आज रात को कौन से रेस्टोरेंट में भोजन के लिए जाना और क्या खाना, यही विचार होता, बाकी चिंता भी नहीं होती और सोचता भी नहीं। सिर्फ खाने की? नहीं जी। हाँ। मैं अपने रोज सुबह के शाम को, ये तो मैंने मजाक में कहा, मैं एक बात जरूर है कि आज भी मैं जाऊंगा, कोई दोस्त मित्र रहता है तो जाता हूँ, पर जो भविष्य की चिंता करता है वो दुखी होता है। और भगवान ने अभी जो कुछ दिया है वो अपनी औकात और हैसियत से बहुत ज़्यादा दिया है, मैं बहुत तृप्त हूँ और इसलिए मैं कोई भविष्य की चिंता करता नहीं हूँ। और चिंता करने से आदमी दुखी होता है। देखिए समाधान मानने के ऊपर होता है, और जो कुछ मिला है उससे आनंद में रहना, और लाइफ इज़ टू शॉर्ट ट्राई टू एन्जॉय इट, तो हम उसको अच्छी तरीके से आनंद से जीना चाहिए, खुशी से, और अपने उसूल के हिसाब से जो कुछ काम आप कर सकते हो करना है। मैं काफ़ी सोशल वर्क करता हूँ, अभी मैंने कम से कम 3,000 कैटरेक्ट के ऑपरेशन मुफ्त कराए, हजारों लोगों को चश्मे दिलाए, कान सुनने की मशीन दी, 5-100 लोगों को पैर लगा के दिए, 40,000 से ज़्यादा हार्ट के ऑपरेशन किए, अभी मेरे पास वैंस है, अभी मैं एक नया हॉस्पिटल कन्वेंशन बना रहा हूँ कि MRI 15,000 रुपये मिलता तो मैं 800 रुपये में MRI दूंगा गरीब को, मैं CT स्कैन 600 रुपये में है, जिसके लिए 10,000 रुपये लगते वो बिल्कुल वर्स्ट स्टैंडर्ड की बनाकर वो उसको 200 रुपये में मिलेगी पैथोलॉजी रिपोर्ट, डायलिसिस 300 रुपये में होगा। तो मुझे जब गरीबों की मैं सेवा करता हूँ तो मुझे बहुत फ़ायदा होता है, अच्छा लगता है। अभी मैं वाटर कंजर्वेशन में काम कर रहा हूँ, एग्रीकल्चर में ही मैं मूलतः काम करता हूँ। मेरा प्रॉब्लम है कि मैं रोड और टनल के बारे में हूँ, पर मेरा सबसे ज़्यादा काम एग्रीकल्चर में है। मुझे 7 डिलीट मिली है डॉक्टरेट, और बड़े रेपुटेड यूनिवर्सिटी की मिली, और उसमें से 4 डिलीट जो है वो एग्रीकल्चर साइंस में। पर आप अपने नाम के आगे डॉक्टर लगाते नहीं हैं?
वो इसलिए मैंने कहा था कि 75 में इमरजेंसी इमरजेंसी आई और मैं उस साल पूरा मैट्रिक में था HSC में। तो मैंने अध्ययन के बजाय वो JP आंदोलन के उसमें भूमिगत रहकर वही काम करता रहा। मेरी एम्बिशन थी इंजीनियर बनने की। अच्छा, तो आप इंजीनियर तो हैं, आप मुझे देश के इंजीनियर तो आप ही हैं। नहीं, पर वो यही तो कहानी है कि मुझे 52% मार्क मिले क्योंकि मैंने उस साल ध्यान नहीं दिया पढ़ाई में। 52 साइंस में मेरा दुर्भाग्य था कि मुझे 49.26% मिले। 49.26, हाँ। तो प्रोफेशनल कॉलेज में इंजीनियरिंग के लिए 50% ये मिनिमम चाहिए था। मिनिमम चाहिए, तो मैं डिस्क्वालीफाई हो गया अप्लाई करने के लिए भी। तब मुझे मन में लगता है कि जो आदमी इंजीनियरिंग के एडमिशन के लिए भी मिनिमम मार्क में भी डिस्क्वालीफाई हुआ है, तो अभी मुझे IIT इंजीनियरिंग कॉलेज में जब भाषण देने के लिए जाता हूँ तो मेरे पास अक्सर काफ़ी वेटिंग ये है IIT इंजीनियरिंग कॉलेजेस के। तो मुझे बड़ा संकोच होता है कि मैं जब इंजीनियरिंग कॉलेज के एडमिशन के लिए डिस्क्वालीफाई हुआ हूँ तो मैं क्या उनके सामने बोलूँगा। और दूसरी एक बात बताता हूँ जो मैं सच बता रहा हूँ आपको कि मेरे को ये दुनिया के लोग, अब मुझे, मैं फॉरेन में गया था तो मेरे बारे में ये परसेप्शन है कि मैं सिविल इंजीनियरिंग का बहुत एक्सपर्ट आदमी हूँ। टनल, रोड, ब्रिजेस, एक्सप्रेस हाईवे, इसमें मुझे बहुत टेक्निकल नॉलेज है। ये झूठ है? ये झूठ है। एक्चुअली मैं बहुत प्रिलिमिनरी नॉलेज रखता हूँ और ये कभी कभी ये झूठ कायम रहे ऐसा मुझे इसलिए लगता है कि मेरे साथ जो कॉन्ट्रैक्टर्स है, जो कंसल्टेंट है और जो अधिकारी, वो डरे हुए रहते हैं कि इनको सब पता है। पर एक्चुअली मैं उसका इतना कोई ये नहीं हूँ। पर धीरे धीरे मुझे एक काम है कि हर काम को हाउ टू गेट इट डन, ये मुझे ठीक से पता है। तो बस फिर और मैंने लोगों को यही कहता हूँ कि आई लाइक पीपल हु कैन गेट द थिंग्स डन, और कम समय में वो काम कैसे होना चाहिए और अच्छे क्वालिटी का कैसे होना चाहिए, इसके बारे में मैं आग्रही हूँ। तो मुझे लगता है कि कभी कभी स्ट्रांग पॉलिटिकल विल, और मैं ये मानता हूँ कि फाइनेंशियल ऑडिट इज़ इम्पॉर्टेंट बट परफॉर्मेंस ऑडिट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन फाइनेंशियल ऑडिट। टेक्नोलॉजी इज़ इम्पॉर्टेंट, रिसोर्सेस वेरी इम्पॉर्टेंट, पर टेक्नोलॉजी और रिसोर्सेस से भी ज़्यादा अगर इम्पॉर्टेंट कोई है तो वो है आपकी कार्य करने की लगन, आपकी विजन। और मैं मानता हूँ कि उसमें आप जैसे फास्ट ट्रैक डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, टीम वर्क, देन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि टीम वर्क में सबको साथ लेकर काम करना, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, डिसेंट्रेशन ऑफ वर्क। तो ये दूसरा ह्यूमन रिलेशनशिप, ये मेरे लाइफ की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है कि ह्यूमन रिलेशनशिप इज़ द बिगेस्ट स्ट्रेंथ ऑफ पॉलिटिक्स, बिजनेस एंड एवरीथिंग। तो मेरे छोटे से छोटे इंजीनियर से लेकर मेरे संबंध बहुत अच्छे हैं। वो मैं कभी डांट भी देता हूँ, कभी सुनाता भी उनको, कभी सुन भी लेता हूँ। तो माय रिलेशनशिप विथ माय सबऑर्डिनेट्स, ये जो रिलेशनशिप है दैट इज़ टू बी ए बिग स्ट्रेंथ फॉर मी, इसका फ़ायदा होता है। तो आप डॉक्टर इसलिए नहीं लगाते क्योंकि 49.26 आए थे? जो सच्चाई है वो सच्चाई है। अब वो जिस टीचर ने मार्क किया वो 49.26, उसको पता लगे कि सारे इंजीनियरिंग अब देश के आप ही कर रहे हैं। सर ये तो सच्चाई थी कि मुझे मार्क कम मिले, पर उसका एक कारण ये था कि इमरजेंसी के खिलाफ जब मैं उसमें क्या करते थे, एक साइकोलोस्टाइल मशीन थी जो जैसे फोटोकॉपी होती है। हाँ, आपको आप उस समय याद है कि मुझे मालूम है, आप इस नए पीढ़ी के लोग नहीं जानेंगे, हाथ से लिखा उसको ऊपर एक स्टेंसिल से हाथ से लिखते थे और वो लगाकर एक इंक ऐसे पेस्ट से डालते थे। तो मैं और हमारे उस समय RSS विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता, एक अंधेरे में हमारा घर था, उसमें अंधेरे में हम लोग चुपचाप एक लाइट लगाकर रात को वो कॉपीज निकालते थे, फिर 100-100 कॉपी का बंडल लगाकर एक एक चौक में वो बांट देते थे पैम्फलेट। उस समय बंदी थी तो उस समय वो एक्टिविटी थे, तो मैं इसका इंचार्ज था। तो वो मेरा हैंडराइटिंग बहुत गंदा है, तो वो जो लिखने वाले थे हमारे एक बापू महाशब्द जी करके थे, बहुत बड़े व्यक्ति थे, तो वो इनका हस्ताक्षर जैसे बहुत ही अच्छा था, वो उसके ऊपर वो टेंसिल को ड्राफ्ट करके लिखते थे और फिर हम वो लाकर वो मशीन पर लगा के पेस्ट लगा के बांटते थे। तो हैंडराइटिंग गंदा है तो फिर तो डॉक्टर आप लगा सकते हो। हाँ हैंडराइटिंग
नहीं, जो सच्चाई ये है हाँ। कि मैं सही में इतना विद्वान नहीं हूँ। मैं मेरी पैशन, अभी मैं 2004 से बायोफ्यूल की बात कर रहा था और मुझे कभी कभी दुख होता है कि आउट ऑफ बॉक्स जब बातें बताएंगे तो लोग विश्वास नहीं रखते। लोग ने हर बात जो प्रूव होती है उस पर विश्वास रखते हैं। तो मैं कहता था इस देश का किसान इस देश का ईंधनदाता बनेगा, अन्नदाता से ऊर्जादाता बनेगा। अब मुझे बहुत खुशी होती है कि किसान अन्नदाता से ऊर्जादाता बना, ऊर्जादाता से बिटुमिन तैयार करने लगा है अभी, और बिटुमिन से बायो एविएशन फ्यूल यानी हवाई ईंधन बनाने लगा। तो अब मेरे पास, मैंने फिर क्या किया कि तीन गाड़ियाँ, अभी कल ही मेरा एक इंटरव्यू एक चैनल के साथ, एक हाइड्रोजन पर चलने वाले गाड़ी में इंटरव्यू हुआ, फिर एक फ्लेक्स इंजन 100% इथेनॉल पर हुआ, और फिर मैंने इलेक्ट्रिक पर दिया। और मैंने कहा यह सब प्रूवन टेक्नोलॉजी है और इससे देश बदल सकता है। तो कभी कभी समय लगता है पर हम लोग आउट ऑफ बॉक्स आइडिया को लोगों को कन्विंस कर सकते हैं। अब कभी कभी लोग मुझे बहुत ज़्यादा पूछते हैं तो मैं उनको एक बात बताओ, देखो याद रखो 40 साल में मैंने जो कुछ कहा, जो जो कुछ कहा वो निकाल लो, अगर वो पूरा नहीं हुआ तो मुझे जिम्मेदार पकड़ो और इस रिकॉर्ड के आधार पर ये स्वीकार करो, विश्वास रखो कि मैं जो बोल रहा हूँ वो निश्चित रूप से होने वाला है। वो जो आपने कहा ना कि गेटिंग थिंग्स डन, वो बाला साहब ठाकरे ने भी कहा था आपके लिए। बाला साहब ठाकरे जी का मेरे ऊपर बहुत प्रेम था, बहुत पकड़ व्यक्ति थे, तो उनको सरकार सिस्टम ये मालूम नहीं थी, इधर जाती फाइल उधर जाती तो वो बहुत नाराज होते थे। तो मुझे उन्होंने बताया नितिन याद रखो, आई लाइक पीपल हु कैन गेट द थिंग्स डन, और मुझे उन्होंने कागज़ पर लिख के दिया। तब मैं मुंबई में 55 फ्लाईओवर और मुंबई पुणे एक्सप्रेस हाईवे और वर्ली बांद्रा सी लिंक प्रोजेक्ट बना रहा था। लोगों ने कहा था यह संभव नहीं है, क्योंकि उस समय मैंने धीरूभाई जी का टेंडर रिजेक्ट किया था, धीरूभाई जी का हाँ। तो बहुत उस समय लोगों में विश्वास नहीं था, तो उस समय बाला साहब ने कहा कि ये करके दिखाओ, तो मतलब मैं दिखाऊंगा करके। और वो पूरे 2 साल में पैसे भी सरकार के पास नहीं थे, 5 करोड़ थे, ये पूरे काम हो गए। और आपको एक बात, छोटी छोटी आइडिया से हुई, जैसे मुंबई में 55 फ्लाईओवर बने तो एक कॉन्ट्रैक्टर ने कहा कि ये जो आपको सांताक्रूज एयरपोर्ट के सामने है वो बांद्रा के अंदर एक बड़ा फ्लाईओवर है, बड़ा एलिवेटेड, तो उसने कहा 4 साल लगेंगे। तो मेरे मन में एक आइडिया आई, तो मैंने कहा आप एक ऐसी स्कीम डालेंगे कि जो एक दिन पहले करेगा उसको 1,00,000 रुपये अवार्ड मिलेगा और एक दिन लेट करेगा उसको 1,50,000 रुपये फाइन होगा। अभी बहुत छोटी सी बात थी, परिणाम यह हुआ कि वो ब्रिज 17 महीने में बना और उसको अवार्ड मिला। तो एक अच्छी बात, एक अच्छी फिलॉसफी सामने आई कि अच्छे काम करने वालों को सम्मान मिलना चाहिए और बुरे काम करने वालों को सज़ा मिलनी चाहिए। तो जो परफॉर्मेंस ओरिएंटेड है, जो अच्छा काम करता है, उसको अगर रिकग्निशन मिला, रिस्पेक्ट मिला, तो उसका मोटिवेशन और बढ़ता है। ऐसा होता है देश में कि अच्छे काम मिलने वाले को सम्मान मिल रहा है? ये थोड़ा सा नहीं होता है। जो सिस्टम में काम करते हैं वो अच्छे काम करने वालों को सम्मान नहीं मिलता और बुरे काम करने वालों को सज़ा नहीं होती। कुछ जगह होती है, कुछ जगह नहीं होती है। सिस्टम में गधे घोड़े सब बराबर चलते हैं। आपने गधे घोड़ों पे अभी कुछ कहा भी था कुछ दिन पहले। हाँ। जो कहा वो लोगों के समझ में आ गया। आपने खाने पीने की बात की, आप खाते हैं च्यवनप्राश? नहीं अभी तो। मैं देखो, मैं मेरी ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि मेरा वजन 135 किलो था, अब मैं 90 हूँ, मैंने 45 किलो कम हुआ। और मैं रेगुलर रोज 1.5 से 2 घंटे प्राणायाम व्यायाम करता हूँ और आज मेरा चेहरा ये सब बातों में काफ़ी फर्क पड़ा है। और मैं अब 50 साल मेरा लाइफ पूरा इनडिसिप्लिन अनियमित था, कभी भी कहीं भी रात को आए, कहीं भी ढाबे पे खाना खा लिया, बीजेपी के लिए घूमता था मैं, पहले स्टूडेंट लीडर तब उसमें था। अब ये स्थिति हो गई तो अब मैं लोगों को बोलता हूँ मेरे अनुभव से कि पहली प्रायोरिटी अपनी हेल्थ को दो, सेकंड प्रायोरिटी ईमानदारी से अपनी वेल्थ को दो, और तीसरी प्रायोरिटी में फिर आपको जो काम करना है करो। नो फिलोसॉफी कैन बी टॉट टू एम्प्टी स्टमक, ये विवेकानंद जी ने कहा। और इसलिए पहले अपना पेट में अगर कुछ जाएगा तो लोगों की सेवा कर सकोगे,
मुझे बहुत बार, एक बार एक आया, एक व्यक्ति कार्यकर्ता आया, बोला मैं अपने देश के लिए जीवन देना चाहता हूँ। बोला अच्छी बात है। बोले आप क्या करते हो? बोले मेरा दुकान था पर दिवाला पिट चुका। बोले घर में क्या है? बोले पत्नी है, बेटे है। बोले एक काम कर, पहले अपना घर अच्छा संभाल, घर का कल्याण कर, फिर देश के लिए निकल। जब तक तुम अपने घर को ठीक नहीं कर सकोगे तो देश को कैसे कर पाओगे? तो पहला आपका काम। मैंने उनको मना किया। और मैं ये मानता हूँ कि हिंदुस्तान ये समुंदर है और हर व्यक्ति से समाज बनता है और समाज से एक देश बनता है। और जवाहरलाल नेहरू जी का एक प्रसिद्ध वाक्य था कि इंडिया इज नॉट ए नेशन, इट इज ए पॉपुलेशन। और दूसरी बात वो कहते थे कि जितने लोग हैं उतनी समस्या है। तो मैं लोगों को बोलता हूँ कि देशभक्ति का सबसे सिंपल तरीका एक ही है कि मैं इस देश के लिए समस्या करके नहीं रहूँगा। अगर हर व्यक्ति ने इतना तय किया तो देश से समस्याएं गायब हो जाएगी। तो पहले हम अपने तरफ से काम करें, यही मुझे लगता है सबसे अच्छा होगा। आपने कहा भविष्य की चिंता नहीं करते हैं, लोग आपकी भविष्य की प्लानिंग जानना चाहते हैं कि आपकी भविष्य की प्लानिंग अभी और कितने पड़ाव पाने हैं पॉलिटिक्स में? सर मैं करता ही नहीं प्लानिंग। प्लानिंग नहीं करते आप? नहीं नहीं, मैं प्लानिंग नहीं करता। आप क्या कह रहे इससे मुझे कोई लेना देना नहीं, कौन अच्छा कह रहा उससे लेना देना नहीं, कोई बुरा कह रहा उससे नहीं। देर आर टू टाइप ऑफ पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स ऑफ कन्वीनियंस एंड पॉलिटिक्स ऑफ कन्विक्शन। मैं पॉलिटिक्स ऑफ कन्विक्शन के आधार पर मेरे से जो हो सकता है मैं करता हूँ। और मैं एक विश्वास रखता हूँ कि पॉलिटिक्स इज ए इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोशियो इकोनॉमिक रिफॉर्म। जो आप जिसकी चर्चा करते हैं वो सत्ता कारण है, पावर पॉलिटिक्स है। द ट्रू मीनिंग ऑफ द पॉलिटिक्स इज समाज कारण, राष्ट्र कारण और विकास कारण। शिक्षा के क्षेत्र में, सेवा के क्षेत्र में, गरीबों की सेवा करना, नए रोजगार निर्माण करना, देश और समाज के लिए काम करना, एक्चुअली दैट इज द ट्रू मीनिंग ऑफ द पॉलिटिक्स। अब ये टाइम आ गया है कि वी नीड टू रीडिफाइन द डिफिनेशन ऑफ पॉलिटिक्स। और आप जैसे लोग अगर प्रयास करेंगे और जनता ये तय करेगी कि कौन व्यक्ति जात पंथ धर्म भाषा से ऊपर उठकर जनता के लिए और देश के लिए ईमानदारी से काम करेगा, उसको हम सपोर्ट करेंगे, तो पॉलिटिक्स में क्वालिटेटिव चेंज होगा और वो देश के लोकतंत्र के लिए और देश के लिए बहुत उपयोगी होगा। पर जाति के पॉलिटिक्स तो, जाति की पॉलिटिक्स तो अभी भी हो रही है। और वो उनका कहना है कि पॉलिटिक्स में जाति, जैसे उसके जाति की संख्या गिनना, वो सब क्यों नहीं गलत है? देखिए बैकवर्डनेस बिकमिंग ए पॉलिटिकल इंटरेस्ट। तो अभी कौन फॉरवर्ड है ये कॉम्पिटिशन नहीं है। एवरीवन वांट टू प्रूव दैट ही इज बैकवर्ड और बैकवर्डनेस बिकमिंग ए पॉलिटिकल इंटरेस्ट। मैं ये मानता हूँ कि कोई भी व्यक्ति उसकी जात पंथ धर्म भाषा और सेक्स से बड़ा नहीं होता, उसके गुणों से बड़ा होता है। और गुणवत्ता के ऊपर किसी का पेटेंट नहीं है। अब कोई आदमी, मैंने जैसे आप है, आपके कम्युनिटी के मैक्सिमम लोग ट्रेड और बिजनेस में बहुत होशियार हैं, दुबई में, हांगकांग में, मलेशिया में करोड़ों रुपए कमा रहे हैं। अब आप अच्छे एंकर बने तो आपके एंकर बनने का आपकी जात पंथ धर्म भाषा से क्या संबंध है? आपके पास वो क्वालिटी थी, आप बन गए। कोई एक्टर बनता है तो कहीं ना कहीं कोई लेखक, उसकी जात कौन सी है इसके आधार पर उसका मूल्यांकन नहीं होता। वो क्या लिखता है, उसके शब्दों में कितनी जान है, ताकत है, इसके ऊपर होता है। कभी ना कभी कोई क्रिकेटर है तो वो क्रिकेटर कौन से स्टेट से आया है और कौन से जात का है, कौन से धर्म का है, कभी नहीं होता। अभी मैं, मेरे दो अच्छे मित्र हैं, सचिन तेंदुलकर और सुनील गावस्कर, और मैं क्रिकेट खेलता था, दोनों भी आइकॉनिक ये प्लेयर हैं। तो मैं जब दोनों मेरे घर पर आए तो मेरे मन में एक था कि क्रिकेट में ताकत चाहिए। अब आपको कितना याद है, मैं उस समय क्रिकेट का बड़ा शौकीन था। उस समय वेस्ट इंडीज़ के टीम में लॉयड, सोबर्स, कनाय, रिचर्ड, ग्रीनी, वो अलग टाइप के प्लेयर थे। तो मुझे वो था कि वो 6 फुट ऊंचा ऐसा, तो क्रिकेटर बॉलर और बैट्समैन जो मजबूत है वही है। तो मैंने देखा तो मैंने कहा सुनील इधर आइए, दीवार खड़े रहिए। मैं देखा तो मेरे इतना ही। फिर सचिन तेंदुलकर को मैंने कहा मेरे बाजू में खड़े रहो, तो वो भी इतना ही। फिर तेरा हाथ दिखा तो मेरे से भी छोटा। तो मैंने कहा यार तुम इतने अच्छे स्ट्रोक मारते हो, ये करते हो, तुम्हारे में तो कोई ताकत ही नहीं। कोई लॉयड और रिचर्ड जैसे तुम मजबूत भी नहीं हो, और वो बड़े बड़े प्लेयर को उनने धुलाई की। तो उनने कहा देखिए नितिन जी, क्रिकेट इज़ ए गेम ऑफ स्किल, कौशल्य का गेम है। तो वैसे हर क्षेत्र में हम लोग जो कॉमन मैन सोचते हैं
पहले मुझे लगता था कि जो व्यायाम करेगा, जो बहुत अच्छे मसल करेगा, वो अच्छा बैट्समैन बनेगा, अच्छा बॉलर बनेगा। पर दुर्भाग्य से ऐसा है कि जो कोई बहुत छोटा सा रहता है, पर वो आपको याद होगा एक चंद्रशेखर नाम के बॉलर थे, जी जी बिल्कुल, बी चंद्रशेखर, बी चंद्रशेखर, उसका पोलियो हुआ था, हाँ। वो गुगली डालता था, उसी वजह से तो उनका अजीत वाडेकर कैप्टन थे और लॉर्ड्स पे मैच हुई थी, तो ये चंद्रशेखर ने 6 विकेट निकाली 71 में। वो मैच कभी आप देखो, तो वो इंग्लैंड के क्रिकेटर थे, वो बॉल उधर डालता था, वो उधर बैट लगे जैसे बॉल इधर पलट जाता था, गुगली डालते थे, उसने 6 विकेट निकाले। तो कहीं ना कहीं जीवन ये कौशल्य का, परिश्रम का और एक्सपर्टाइज हासिल करने के लिए अनुभव और मेहनत का ये गेम है। इसमें जो जो अपने क्षेत्र में जितने डेडिकेशन से काम करता है और उस कला को, स्किल को आत्मसात करता है, उसी के आधार पर उसका मूल्यांकन होता है, वो बड़ा बनता है। आप क्या करते थे क्रिकेट में? मैं बैट्समैन था। बैट्समैन, ओपनिंग? नहीं, मैं वन डाउन जाता था। अच्छा, मेरी गलती यही होती थी कि मैं पहले बॉल से धुलाई करने की शुरुआत करता था। आपको याद है एक संदीप पाटिल करके क्रिकेट? जी बिल्कुल, हमारे साथ हैं, इसमें न्यूज़ 18 में ही है। अभी वो मुझे बड़े पसंद रहते थे, जिस जगह आवाज लगा उस तरफ छक्का मारते थे। और एक गुजर गए अभी, ये शायद मुझे लगता है बहुत, सलीम दुरानी। तो मैं उनका बड़ा, वो राजस्थान से खेलते थे, हरमन सिंह कैप्टन रहते थे, और हमारे यहाँ VCA के ग्राउंड पर मैच होती थी, वो ऑन डिमांड छक्के मारते, हाँ, तो मैं 54 पे टिकट निकालता था ग्राउंड पर। अच्छा। और एक 50-100 लड़के जाते थे और धूप में बैठते थे दिन भर, चाराने में टिकट रहता था, डब्बा वगैरह लेके जाते थे, और हम जैसे सलीम दुरानी आए खूब चिल्लाते थे छक्का, तो बराबर जहाँ से आवाज आता था उधर मारते थे, 40 रन निकालते थे पर 4 छक्के मार के जाते थे। उस वक्त T20 नहीं था, नहीं तो आज बहुत बड़े प्लेयर होते। देखो ये T20 जैसा ही लाइफ होना चाहिए। अच्छा। एक बापू नाडकर नहीं करके क्लियर थे, हाँ, बहुत पुराने इतिहास, हाँ, वो 8-8 घंटे खेलते थे, रन नहीं निकालते थे, बट विकेट कोई नहीं लेता, विकेट नहीं, मेडन मेडन। जिंदगी, एक डायलॉग आया है कि जिंदगी छोटी हुई तो चलेगी, पर जिंदगी ऐसी होनी चाहिए कि जो कुछ करके दिखाना चाहिए। तो ये वनडे क्रिकेट का जो मंत्र था, वो हमारे यहाँ लोकमान्य तिलक जी ने कहा है कि एखादा व्यक्ति कितने साल तक जिया है ये महत्वपूर्ण नहीं है, वो जीवन उसने कैसे व्यतीत किया ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और मुझे लगता है कि खुशी के साथ वनडे क्रिकेट जैसा आनंद के साथ जीवन जीना, आपको अभी वेस्टर्न कंट्रीज़ में एक नया कंसेप्ट आया है, हैप्पी ह्यूमन इंडेक्स, फिर उसका आया डोमेस्टिक हैप्पी ह्यूमन इंडेक्स, और यूनो में इसके ऊपर चर्चा हुई। मैं ये मानता हूँ कि यह सबसे पहला मुद्दा है कि हर व्यक्ति के जीवन में हैप्पी ह्यूमन इंडेक्स क्या है, और ये बात हर परिवार ने ढूंढनी चाहिए। जब गरीब थे तब खुशी थी, जब धनवान बने, बंगला बना, मर्सिडीज गाड़ी आई, घर में कलह हुआ, झगड़े हुए, विवाद हुए और खुशी चली गई। तो खुशी किस में है, समाधान किस में है, आनंद किस में, इसको ढूंढ कर उसके साथ जीवन व्यतीत करना, दैट इज़ टू बी वन ऑफ द सक्सेस ऑफ द लाइफ। तो मुझे लगता है ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो। तो आपको आपको कभी फिर इस तरह के लक्ष्य नहीं रहे कि ये पद पाना है, वो पद पाना है? सर ये बिल्कुल मेरे पर विश्वास रखिए, मैं दिल्ली में कभी नहीं आता था, और उस समय रात को एयर इंडिया के, मैं जब महाराष्ट्र के असेंबली में था, तो मैं पहली बार दिल्ली आता था, तो मैं रात को 1 बजे वो टिकट सस्ता मिलता था, तो मैं एयर इंडिया के फ्लाइट से मुंबई चला था। मुझे शहर पसंद नहीं था, और क्यों नहीं था, तो क्योंकि वहाँ कहीं भी रात को होटल में जाए तो पनीर और उसके सिवा कोई मिलता नहीं था, तो मैं बोलता था मुंबई चला जाता था। अब मैं BJP का अध्यक्ष बना तो बहुत ठंड के दिन थे, और मैं एक हाफ स्वेटर में, हाफ शर्ट में आया, और सुबह 10:30 बजे मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी BJP कार्यालय में पहली। और जब मैं गया कार्यालय में तो ये पीयूष जी मेरे साथ थे उस दिन, और अपने रविशंकर प्रसाद थे, सब कोट पहन के थे। तो उन्होंने कहा इतनी ठंड आप कोट पहनो, मेरे पास कोट ही नहीं है। तो फिर मैं गया तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में सब, क्योंकि उस समय टेम्परेचर 12-13 डिग्री होगा, खूब ठंड थी। तो फिर वो हमारे इसमें एक सिक्योरिटी गार्ड था, वो मेरे जैसे ही मोटा था उस समय, तो उसका कोट निकाल कर मैंने पहना और मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस ली थी। और शाम को कैनॉट प्लेस में पीयूष और हम सब लोग गए, और फिर मैंने
वो कोट सिला है, पहली बार कपड़ा लिया और सिलाई निकले डाले। तो मैं इस शहर में, मुझे कुछ पता ही नहीं था, ना मुझे रोड मालूम, ना लोग मालूम, मैं बीजेपी का प्रेसिडेंट करके आया तो कुछ भी मालूम नहीं था। तो मैं आपको यही कहूँगा कि जो होना है वो होता है, तो गीता सार जो है ना बहुत इम्पोर्टेंट है। और आप एक काम करो, आप कर्मण्ये वाधिकारस्य मा फलेषु कदाचन, आप काम करते रहो, और काम करने के साथ जनता की अदालत में आप काम करोगे लोग न्याय देते हैं, और मेरा इस पर विश्वास है। काम करते रहना चाहिए और धीरे धीरे लोगों के आशीर्वाद मिलते रहते हैं, सपोर्ट मिलता है। मैं भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हूँ, अभी मैंने बीच में कहा था उसका गलत अर्थ लोगों ने निकाला, कुछ उल्टा लिखा, मैंने कहा मैं अगले चुनाव में अगर खड़ा रहूँगा तो मैं पोस्टर बैनर नहीं लगाऊंगा, मैं जनता के हर जगह जाकर उनका आशीर्वाद लूँगा, और मैंने किए हुए काम का सोशल मीडिया का उपयोग करके उनको बताऊँगा। मैं कोई पार्टी नहीं दूंगा, कोई नाश्ता चाय पानी नहीं करूंगा, जनता को उचित लगे तो मुझे वोट दे, नहीं तो ना दे। मैं अपने काम के ऊपर केवल लोगों का आशीर्वाद लेने के लिए जाऊंगा। मुझे कभी कभी लगता है कि लोग बहुत होशियार हैं। आपको पता होगा कि 77 के चुनाव में जब इंदिरा जी ने चुनाव घोषित किया तो जॉर्ज फर्नांडिस और बहुत बड़े बड़े नेता ये कहते थे कि चुनाव नहीं लड़ना चाहिए, बहिष्कार करो। वो कहते थे हम थोड़ी जीतने वाले हैं, हम जीतने वाले नहीं हैं तो चुनाव क्यों लड़ना। तो अडवाणी जी और अटल जी जैसे कुछ लोगों ने उनको सबको बताया कि अगर चुनाव लड़ेंगे तो हमको जनता के पास जाने का मौका मिलेगा, हम अपनी बात तो कह सकेंगे, ठीक है हारना है तो हारेंगे। जो पार्टी भी नहीं बनी उस पार्टी ने चुनाव जीता और इंदिरा जी चुनाव हार गई, रायबरेली अमेठी और पूरा उत्तर प्रदेश बिहार जनता पार्टी जीत गई। तो जनता ये इतनी होशियार है और अपने सामाजिक आर्थिक शैक्षणिक इशू के आधार पर अपने राजनीतिक मतों को तय करने की काबिलियत इतनी अच्छी है कि ये उस चुनाव का ये है कि लोगों को कोई खरीद नहीं सकता, लोगों को कोई दबाव डाल के कुछ नहीं कर सकता, लोग अपने ऊपर वोट देते हैं और वो निश्चित रूप से लोगों की ताकत, यही लोकतंत्र की ताकत है। इसलिए क्योंकि वो आपने कहा ना लोगों ने गलत मतलब निकाला, वो आप क्योंकि आपने बोला कि अगर मैं चुनाव लड़ा तो अगर क्यों लगाया आपने, लोगों ने ये पूछा। नहीं अगर यानी इसलिए कि पार्टी कौन किसने लड़ना चाहिए इसका निर्णय अंतिमता लेती है, तो मैं आज ऐसे कैसे कहूँ कि मुझे टिकट दे दिया है पार्टी ने। पर आप मैं कोई मेरा इसका अर्थ है मुझे टिकट मिलने वाला नहीं, ऐसा आप मत निकालिए। ऐसा चाहेंगे भी नहीं। देखिए जब पार्टी पार्लियामेंट्री बोर्ड में नाम पर ठप्पा लगाएगी तो टिकट मिलेगा, और टिकट देने का अधिकार पार्टी को है, और इसलिए मैंने इस भाषा में कहा कि अगर मुझे टिकट जब मिलेगा तो मैं ये करूँगा इसलिए। लेकिन वो जो पॉलिटिशियंस को डर रहता है ना कि वोट इधर से कम ना हो जाए, वोट इधर से कम ना हो जाए, वो डर आपको नहीं है? बिल्कुल नहीं है। वजह? नहीं है, मैं अब आपके सामने इतना साफ नहीं बोलूँगा। अच्छा, पर अगर समझो मैं मंत्री नहीं बना या MP नहीं बना तो क्या मैं बाकी कुछ कर नहीं सकता, क्या यही एक है क्या? मेरा कहना यह है कि तुम काम करते रहो, जब तक तुम में क्षमता है करते रहो, जनता तुमको साथ देती रहेगी। और दूसरी बात, मैं जैसे राजनीति में हूँ, आपको आप कभी आइए, मैं 80% मेरी एनर्जी सामाजिक कार्य में लगाता हूँ, सेवा के शिक्षा में 1800 स्कूल चलाता हूँ, एक ट्रस्ट का चेयरमैन हूँ, हमारे 2200 टीचर हैं, और कहाँ चलाता हूँ तो नक्सलाइट का कैपिटल जिस एरिया में, वहाँ सिरोंचा एटापल्ली अहेरी छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश बीच में, और वो स्कूल चलाता हूँ तो वो 23 साल हो गए मुझे, 28,000 बच्चे पढ़ते हैं उसमें, मैं महिलाओं को वेस्ट से कतरन से गालीचे बनाने का 1200 महिलाओं को ट्रेनिंग दिया, मैं ऑर्गेनिक फार्मिंग में काम करता हूँ, मैं किसानों में वाटर कंजर्वेशन में काम करता हूँ, अल्टरनेटिव एनर्जी में काम करता हूँ, ऑर्गेनिक फ्रूट वेजिटेबल में काम करता हूँ। मुझे बड़ी खुशी होती है, अभी मैं एग्रो विजन करता हूँ, 5,00,000 किसान आते हैं, अभी हमारे यहाँ महाराष्ट्र सरकार ने मेरे कहने पर 300 करोड़ का एग्रो कन्वेंशन सेंटर दिया है, मैं क्रीड़ा महोत्सव करता हूँ, 17 दिन 60,000 प्लेयर खेलते हैं, 36 ग्राउंड पर होते हैं, मैं सांस्कृतिक महोत्सव करता हूँ, 17-18 दिन 50,000 लोग रोज देखने के लिए आते हैं, तो मुझे उसमें खुशी है, लोगों को भी खुशी होती है। तो मुझे लगता है कि ये सब काम करने से तुम्हारा तो बढ़ती है क्रेडिट, लोग तुमको सपोर्ट करते ही है, पर समाज में इसका मैसेज बहुत अच्छा जाता है। तो आपका फिर आइकॉन कौन है, अगर कोई कहा जाए कि आपका कोई आइकॉन, चाहे पॉलिटिक्स से हो कहीं से भी हो, आपका आइकॉन कौन है?
देखो मेरे लाइफ में मैं छत्रपति शिवाजी महाराज को मेरा सबसे बड़ा आइकॉन मानता हूँ, क्योंकि वो उनके जैसा आदर्श राजा आदर्श पिता कोई नहीं। और अभी के क्षेत्र में मैं अटल बिहारी वाजपेयी और जॉर्ज फर्नांडिस, ये दोनों के जॉर्ज दोनों के नज़दीक रहकर काम करने का मुझे मौका मिला। जॉर्ज साहब को क्यों? बहुत ईमानदार अच्छे आदमी थे और डिफेंस मिनिस्टर थे। एक बार मेरे घर पर आए, फिर एक बार मुंबई आए थे तो बोला नितिन क्या कर रहे हो? तो मैंने बोला कुछ नहीं, मैं मंत्री था, वो केंद्र में मंत्री थे, तो मुझे डेंटिस्ट के पास जाना है, चलो मेरे साथ। मैं उनके गाड़ी में बैठा, डेंटिस्ट के वहाँ उनने दाँत के, मैं बाहर बैठा रहा। फिर हम वाजी के रेस्टोरेंट में जाके चाय नाश्ता हमने किया। इतनी यानी इतना नम्र, शालीन, प्रखर, आक्रमक, कमिटेड टू आइडियोलॉजी, और इतना यानी इतना सामान्य व्यक्ति जैसा उनका आचरण था। उस समय दिल्ली में मुंबई में टैक्सी यूनियन के वो अनभिषिक्त राजा थे और गरीबों के लिए कटिबद्ध, और इतना उनका कि इमरजेंसी में इस देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए उन्होंने कितना अन्याय सहन किया, कितने अत्याचार उनके ऊपर हुए। पर मैं उनकी प्रखरता और देखता रहा, मुझे आज भी वो एक बहुत अच्छी तरह मेरे दिल में उनका व्यक्तित्व बैठा। एक वो कहते हैं कि जैसे आपके दोस्त ऑपोजिशन में भी हैं, तो क्या ये नेगेटिव होता है पॉलिटिक्स में ऑपोजिशन में दोस्त होना? मेरे तो सभी दोस्त हैं। उसका कुछ नुकसान होता है? देखिए आप एक को बात बताता हूँ, अभी केरल के मुख्यमंत्री सीपीएम के, वो मेरे से बहुत कंफर्टेबल है। दिल्ली आते काम भी नहीं होगा तो मिलते हैं, अच्छी बात करते हैं, मैं उनके घर खाना खाने गया। देखिए अटल बिहारी वाजपेयी जी ने एक बात कही थी कि मतभेद होने चाहिए पर मनभेद नहीं होने चाहिए। मैं आरएसएस वाला हूँ, बीजेपी वाला हूँ, कन्विक्शन वाला हूँ, मैंने अपना विचारधारा को डायल्यूट नहीं किया, पर मेरे पास आया हुआ आदमी जो काम बता रहा है वो अगर कानूनी और सही है तो वो काम सबका करना चाहिए, और गलत होगा तो अपनों का नहीं करना चाहिए, ये मुझे सिखाया गया है। तो मैं सबसे कभी ये चिंता नहीं करता कि ये उसमें पॉलिटिक्स नहीं लाता, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इसके कारणवश सभी लोग मेरे अच्छे मित्र हैं, मीडिया के भी लोग मित्र हैं, सब पॉलिटिकल पार्टी के जो एक दूसरे के साथ बात नहीं वो भी मित्र हैं, और पार्टी के अंदर भी मेरे मित्र हैं, सभी प्रकार के लोग मित्र हैं, क्योंकि मेरा स्वभाव का नेचर ही ऐसा है कि सबसे दोस्ती है। तो उसके पीछे मेरा कोई पॉलिटिकल कैलकुलेशन नहीं है या मुझे किसे कुछ चाहिए ऐसा भी नहीं है। वो मेरा नेचुरल नेचर ऐसा ही है कि भाई मैं सबके साथ अच्छा हूँ, और ऐसा भी नहीं कि कभी चीज़ नहीं पटती तो उसको मैं क्रिटिसाइज भी करता हूँ। इंडस्ट्रियलिस्ट भी आपकी बहुत तारीफ करते हैं, जो जो आपसे डील करते हैं, कोई बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट जिनकी विचार बदले हों आपसे बात करने के बाद? देखो मेरे से मिलते हुए किसी आदमी को मैं जात पंथ धर्म भाषा और सेक्स के साथ डिस्क्रिमिनेट नहीं करता। मेरे घर में एक आदमी आज ही मुझे अभी आ रहा था, बोला आपकी अपॉइंटमेंट नहीं मिलती आपकी, अरे मतलब छोड़ देना, सुबह 10 बजे विदाउट अपॉइंटमेंट आते जा मैं तेरे से मिलूंगा। अब ये भी बात सच है कि दिन भर लोगों के अपॉइंटमेंट इतनी तय होती है, तो मैं अनऑफिशियली फ़ोन पर इधर बोलता हूँ ठीक है 10 बजे आ जाना, दोपहर को 2 बजे आ जाना, मैं खाना खाने आता हूँ तब तुमको मिल लूँगा। तो देखो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने एक बार मुझे बताया था, मैं उनके साथ टूर करता था, लेकिन एक बात याद रखो कि तुम्हारे यहाँ तुम कितने भी बिजी हो, कितने भी इंपॉर्टेंट कार्यक्रम में जाते होंगे, पर तुम्हारे यहाँ जो व्यक्ति आता है उससे 2 सेकंड 5 सेकंड 10 सेकंड बात कर लो, उसको बिना मिले आप निकल जाओगे, ये कभी नहीं करना। मैं लेट हो जाता हूँ कभी, पर अटल जी की बात को मैं कभी भूला नहीं हूँ। मैं अभी आपको परसों का यूट्यूब पर आया है कि मेरा मिलने का दिन था, 2300 लोग मुझे मिले, मेरे कार्यालय के सामने पुलिस बंदोबस्त लगता है, लोग लाइन में खड़े होते हैं, मैं 11 बजे बैठता हूँ और 3, 3:15 बजे तक मैं खाना भी नहीं खाता हूँ। सब लोगों को आखिरी व्यक्ति दिव्यांग आते हैं, कभी आप कुली आए थे स्टेशन के, सबको खुला रहता है। अब मेरी प्रॉब्लम होगी मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों के लिए मैंने मिलना चालू किया, अब दूर दूर से आसपास के राज्यों के लोग आते हैं, वो भी अपनी समस्या बोलते हैं, तो मैं उनको कभी कभी कहता हूँ लाइट मोड में, अरे भाई मेरे पास क्यों आए इतने दूर से, नहीं आपको ही मिलना है, बोले ठीक है बताओ। तो कभी ना कभी मैं जो बता रहा हूँ आपको, ह्यूमन रिलेशनशिप ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप कितने भी विद्वान हो, कितने भी धनवान हो, योर रिलेशनशिप विथ योर सबॉर्डिनेट्स ये बहुत इम्पॉर्टेंट। मैं आपको एक अच्छी बात बताता हूँ,
स्टारबक्स इन्होंने किताब लिखी है, वो किताब मुझे एक मित्र ने दी और मैं अक्सर लोगों को उसका उल्लेख करके बताता हूँ। तो वो एक ट्रक ड्राइवर के लड़के थे, उनकी माँ नर्स थी और उन्होंने कॉफ़ी शॉप में एक छोटी सी नौकरी शुरू की। तो वो कप बशी वगैरह धोधा का काम करते थे और बाद में वो स्टारबक्स, आपको मालूम है आज उनकी 23,000 ब्रांचेस है वर्ल्ड में और बहुत बड़े उनका लॉस एंजल्स में बहुत बड़ा बिल्डिंग वगैरह है। तो उन्होंने एक बात सुंदर लिखी है और वो मुझे लगता है दैट इज़ द फिलोसोफी ऑफ लाइफ। उन्होंने लिखी है कि जब आपको खुशी होती है, जब आपको सक्सेस मिलता है, तो उसकी खुशी केवल आपको ही होती होगी, देन द सक्सेस इज मीनिंगलेस। पर जब खुशी मिलती है, सक्सेस मिलता है, तो तुमसे कई गुना ज़्यादा खुशी अगर तुम्हारे सबॉर्डिनेट, तुम्हारे सहयोगी और तुम्हारे साथ काम करने लोगों का जो लोग होते हैं उनको मिलती है, देन दैट इज द ट्रू मीनिंग ऑफ द सक्सेस। तो आप अपनी टीम में डांटते नहीं किसी को? हाँ, आप अपनी टीम में किसी को नहीं डांटते? बिल्कुल डांटता हूँ, वो डांटता भी नहीं हूँ, गाली गलौज भी करता हूँ। कॉन्ट्रैक्टर, बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्टर बहुत गालियाँ खा के गए मेरे पास। मैंने एक को कहा था दरवाजा बंद करके ठोकूंगा बोले तुमको, यहाँ तक हुआ। पर पहली बात तो ऐसी है कि जो लोग, जो आदमी डांट सकता है वो प्रेम भी करता है, उनके समस्याओं को समझकर उसको सुलझाने का भी काम मैंने किया। तो कभी कभी गलत बात भी बोलता, आज ही मैंने मीटिंग में कहा सब बातें देख मान करूँगा, तो याद रखना क्वालिटी में खराब होगा तो छोड़ूंगा नहीं तुमको। देखिए लोग भी अपने स्वभाव को समझते, गलतियाँ होती है। इफ द मिस्टेक्स आर बोनाफाइड फॉरगिव देम, इफ द मिस्टेक्स आर मैलाफाइड उनको बिल्कुल ठोकना ही चाहिए। तो ये बताइए, बहुत बार आपसे बात हुई, आपने कहा था कि दिल्ली से मुंबई गाड़ी में चलेंगे, वो कब होने वाला है? अभी रतलाम तक हो गया, शायद दिसंबर के पहले, इसी दिसंबर। हाँ, आप दिल्ली से मुंबई चले जाओ, दिल्ली से मुंबई ये दिसंबर के पहले, दिल्ली से देहरादून 2 घंटे में, हाँ, वो तो, हाँ। दिल्ली से हरिद्वार 1.5 घंटे में, दिल्ली से अमृतसर 4 घंटे में, दिल्ली से कटरा 6 घंटे में, दिल्ली से श्रीनगर 8 घंटे में, चेन्नई से बेंगलोर 2 घंटे में, बंगलोर से मैसूर 1 घंटे में हो गया, अभी 1 घंटा 10 मिनट। अब धीरे धीरे सब काम पूरे हो रहे हैं और दिल्ली से चेन्नई का डिस्टेंस 320 किलोमीटर कम हो रहा है। हम नया रोड बना रहे सूरत से, सूरत से नासिक, नासिक से अहमदनगर, अहमदनगर से सोलापुर, सोलापुर से कर्नूल, कर्नूल से हैदराबाद, चेन्नई, बेंगलोर, मंगलोर, कन्याकुमारी, सब साउथ को। तो अब मुंबई और पुणे जाने की जरूरत नहीं, सोलापुर कोल्हापुर जाने की जरूरत नहीं। और एक प्रकार से मुझे बहुत खुशी है, मैं हमारे बचपन में भाषण, कश्मीर से कन्याकुमारी तक ये हमारे यहाँ बहुत भाषण दिया जाता था। अब मुझे विश्वास, खुशी हो रही है कि मनाली से रोहतांग पास जाने के लिए 3.5 घंटे लगते थे, अब अटल टनल बनी 8 मिनट में जाओगे। फिर वहाँ से लद्दाख ले आने तक हम 5 टनल बना रहे हैं और उसके बाद लद्दाख ले आकर झोजिला टनल बन रही है, 70% काम पूरा हुआ। फिर झेड़मोर 90% काम पूरा हुआ, वहाँ से श्रीनगर आएंगे, फिर श्रीनगर से जम्मू हम 18 टनल बना रहे हैं, 15 हो गई, 3 अभी एक 3-4 महीने में पूरी हो जाएगी। तो श्रीनगर से जम्मू आते समय जम्मू के पहले कटरा के पास दिल्ली कटरा एक्सप्रेस हाईवे से मिलेंगे और कटरा से हम लोग डायरेक्ट अमृतसर होकर दिल्ली आएंगे। दिल्ली आने के बाद हम दिल्ली मुंबई हाईवे पे जुड़ेंगे और वहाँ से डायरेक्ट हम लोग सूरत जाएंगे, सूरत से निकलकर हम लोग फिर कर्नूल, नासिक और अहमदनगर से, और कर्नूल से कन्याकुमारी जाएंगे। और ये पूरा हाईवे एक्सिस कंट्रोल होगा और इसमें से आप 120 किलोमीटर के स्पीड से जाओगे और डिस्टेंस 320 किलोमीटर कम होगा, तो कश्मीर से कन्याकुमारी तक का सपना ये पूरा हो। कितना वक्त लगेगा, वक्त कितना लगेगा कश्मीर से कन्याकुमारी? ये 80% काम दिसंबर के पहले हो जाएगा। नहीं, पर चलने में समय कितना लगेगा गाड़ी में? ये एग्जैक्ट तो नहीं बताऊंगा मैं आपको, क्योंकि मेरे पास का हिसाब नहीं है। हाँ। पर दिल्ली से चेन्नई मैक्सिमम 22 घंटे में हो जाएगा। दिल्ली से चेन्नई 22 घंटे में गाड़ी में? हाँ। और दिल्ली से मुंबई 12 घंटे बारह घंटे में
तो ट्रेन वेन प्लेन सब वगैरह छोड़ दें। सर अभी तो मैं एक सिस्टम देख के आया हूँ, वो हाइपर लूप जैसी है। हाइपर लूप तो मिनटों में पहुंचा देगा। नहीं नहीं अभी वो दुबई में मैंने देखी, वो बेलारूस की कंपनी है, वो पर घंटे में 600 किलोमीटर जाती है। तो दिल्ली से जयपुर 20 मिनट में। तो वो सिस्टम को अभी मैं इलेक्ट्रिक हाईवे बना रहा हूँ। ये UR2 जो है रिंग रोड जो पानीपत के बाद आता है, वहाँ से अभी आप द्वारका एक्सप्रेस हाईवे पे आकर और द्वारका एक्सप्रेस हाईवे से डायरेक्ट जयपुर तक। तो ये मैं सोच रहा हूँ कि 24 मीटर की बस होगी, 18 मीटर और 24 मीटर की, तीन बसेस जुड़ेगी, इलेक्ट्रिक के केबल पे चलेगी, उसका बिजनेस क्लास भी होगा, इकोनॉमिक क्लास भी होगा, और उस बस में चाय पानी नाश्ता मिलेगा, लैपटॉप पर बैठकर आप अपना काम भी कर सकोगे, और टिकट रेट डीजल बस की तुलना में 30% कम होगा, और 2.25 घंटे में दिल्ली से जयपुर पहुंच जाएंगे। इतना अच्छा लगता है ना ये सब सुन के, कैसे मतलब जैसे सपनों की बातें अच्छा, हो रही हो। देखो एक बात बताता हूँ, मैं आपको और इनको पूरा आह्वान देके पूछता हूँ कि मैंने जितने सपने दिखाए, कोई आके मुझे बता दे कि कौन सा सपना पूरा नहीं हुआ। सपने दिखाने वाले नेता लोगों को अच्छे लगते हैं और दिखाए हुए सपनों के आधार पर लोग उनको साथ भी देते हैं, पर दिखाए हुए सपने जब पूरे नहीं होते तो जनता उन नेताओं की धुलाई करने में भी आगे पीछे नहीं देती। मैं जो कह रहा हूँ, अभी आप देखो ना, ये कहीं भी जाके रोड का देखो, अभी दिल्ली डेहराडून अब दिसंबर के पहले बजे 2 घंटे में पहुँचोगे आप। देखिए जो हो सकता है वो, मैंने मुंबई पुणे एक्सप्रेस हाईवे बनाया तो 9 घंटे लगते थे, और मैंने डिक्लेयर किया कि मुंबई से पुणे 2 घंटे में होगा। तो मुंबई में और महाराष्ट्र में अखबारों ने एडिटोरियल लिखे और उनने कहा कि ये कैसी मूर्ख जैसी बात करता है, ये कभी संभव हो सकता है, ये पॉलिटिशियन और मंत्री कुछ भी बोलते हैं और कुछ भी कहते हैं। आज जाओ दिल्ली पुणे से मुंबई 2 घंटे में हुआ। वो जो लोनावला खंडाला के घाट में लोग अटकते थे 24 घंटे, एक टैंकर आड़ा पड़ा अटकते थे, वो पुरानी यादों को लोगों, आप मुंबई गए क्या? हाँ गया हूँ। आप मुंबई वालों को पूछो कि 80 में 85 में 90 में क्या स्थिति थी मुंबई पुणे की, अब बदल गया। देखिए वर्ली बांद्रा सी लिंक ब्रिज बनने के पहले हम लोगों दादर और सायन से आते उधर से कितना समय लगता था, अब आप वर्ली बांद्रा से कितने समय में आ रहे हैं। तो मैं आपको बताता हूँ कि कुछ चीज़ों में लोगों को लगता है कि ये संभव नहीं है, पर असंभव को संभव में करना यही नेतृत्व की सबसे बड़ी परीक्षा होती है, और मुझे लगता है कि यही तो टेस्ट है कि आप करके दिखाएं। अच्छा ये तो आपने जो सपने दिखाए और उनका चैलेंज दिया कि मैं पूरा करके दिखाऊंगा, आपके प्रशंसकों ने आपके लिए जो सपने देखे हों वो कब पूरे होंगे? वो देखे मेरे सपने पूरा करना मेरा काम है, और मेरे बारे में किसी के सपने हो तो वो करेंगे, मैं क्यों करूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू जी हमसे बात करने के लिए। नितिन गडकरी अपने खास अंदाज में और हमेशा साफ गोई के साथ सारी बातें रखते हुए, और इशारों में आपने जो कहना था वो कह भी दिया, जैसा आप हर बार कह जाते हैं। नहीं, मेरे कहने का कोई गलत इंटरप्रिटेशन नहीं, गलत इंटरप्रिटेशन नहीं, जो आपने कहा उसको सही माना जाएगा, सीधा ही माना जाएगा। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया नितिन, धन्यवाद। हम चाहेंगे कि नितिन जी आप कुछ पल और मंच पर बने रहें, और अब मैं राजेश कुमार अग्रहरी मैनेजिंग डायरेक्टर राजेश मसाला उद्योग प्राइवेट लिमिटेड आपको मंच पर बुलाना चाहूंगी, आप मंच पर आएं और नितिन गडकरी जी को धन्यवाद दें।